मैं नहा गई हूँ ना, आप ऐसा करो, मैं तब तक तैयारी करती हूँ पूजा की, आप आ जाओ नीचे, ठीक है? जल्दी आ जाओ, ठीक है? हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी, हम दोनों भी बहुत बढ़िया हैं। तो अभी मैं नहा गई हूँ, मैंने साथ साथ थोड़े बहुत कपड़े भी धो लिए, जो दो चार सूट हमारे हो जाते हैं डेली यूज़ के। अब मैं जाऊँगी पूजा के लिए। तो दीदी को मैंने उठा दिया है, बोला कि उठ के आ जाओ, तब तक मैं पूजा की तैयारी करूँगी और चलते हैं नीचे। और इससे पहले हमारे सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है। आलू के परांठे बनेंगे आज, क्योंकि संडे है। सो वो आलू भी बॉयल्ड है, आटा भी गूंथ चुका है, बस जैसे ही खाने की बारी आएगी गरम गरम बनानी है बस। तो पहले थोड़े बहुत कपड़े हैं, इनको भी निकाल देंगे, पूजा कर लेंगे। और आज हम आपको दिखाएंगे हम दोनों की जो संडे वाली रूटीन रहती है वो। तो पहले मैं ये काम करूँ। ये है हमारा प्यारा सा पूजा रूम और छोटू सा मंदिर हमारा। तो अभी ना बस अब ये सारा चीज़ सब चीज़ें वॉश करनी है और उसके बाद बिल पत्ते चढ़ाएंगे, क्योंकि सावन का मन चल रहा है। आप भी जय कर लो कि डायरेक्ट बैक साइड में आके यहीं है, देखो भांग का पौधा ये रखा है, क्योंकि शिव जी भगवान को चढ़ता है। और साथ में ही है बिलपत्ता यहाँ जस्ट हमारी गाड़ी के पीछे ये। तो अच्छे अच्छे पौधे निकाल के ये दो है ना, ये वाला नहीं चढ़ेगा, जिसमें तीन होते हैं वही चढ़ेगा, ठीक है? मैं इधर रख देती हूँ कि मैं प्रॉपर अच्छे से निकाल सकूँ। बेलपत्ती मैंने ऑलमोस्ट ले लिया है, इतनी काफी है। अब लेंगे थोड़ी सी ध्रुवा, अच्छे से जगह से यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही है। तो ये ले आई मैं, अब स्मूथ पराठा कैसा है?
इस आज जो मैं आपसे बात शेयर करने वाली हूँ ना, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इतनी बात है खतरनाक। तो बात है ऐसी, अभी बज रहे हैं दिन के 12। मैंने सोचा था सारे काम फिनिश हो गए हैं, थोड़ा हम टाइम स्पेंड करेंगे, मैं और दीदी आज कुछ करेंगे, है ना, इंटरेस्टेड करेंगे कुछ, है ना। संडे था और मैं जैसे किचन से वापस आई, ये देखो क्या बनाऊंगी मैं इनके साथ कंटेंट और क्या दिखाऊंगी। ये सो रहे हैं और पता क्या बोल रहे हैं, कहते कोई नहीं यार सो जाते थोड़ी देर ना, बाद में देखेंगे। और बाहर सच में मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, मन तो कर रहा है मैं भी सो जाऊं चुपचाप, पर कुछ चीज़ें होती है ना, अभी कहाँ सो जाना, 12 बजे सो जाओ फिर 5 बजे तक ही उठना पड़ेगा। तो देखते हैं, बस तो मन कर ही रहा है सोने का, सोच रही हूँ थोड़ी बहुत ही मूवी वूवी देख लेते, पर नहीं। देखो हेलो, देखो ये ना सुबह भी ये बड़ी मुश्किल से उठाया मैंने इनको, और अभी भी देखो यार इतना कौन सोता है यार। हुआ कुछ ऐसा, जैसा देश वैसा भेस, ये सो रहे। मैंने भी नाइट सूट पहना, चेंज किया, मैं भी लगी सो। तो उठ के सोचते हैं अब क्या करना है क्या नहीं। बाकी टाटा। 2000 years later. तो मैं और तनुदी अभी सो के उठ गए हैं। सो आज पापा जी ड्यूटी पे गए और अब हम थोड़े अपसेट हो गए, अब उस मूड में हम थोड़े कि पापा एक महीने बाद गए पापा जी पूरे, तो घर ऐसे सुनसान सा लग रहा है अब कि अब नहीं करेगा कोई मेरे को फोन भी नहीं। भी तनुदी भी और मैं भी, हम खाएंगे आम अब। खबड़ी को देखो कहाँ चढ़ी है ऊपर, ये इनकी नॉर्मल एक्सरसाइज है। थोड़ी देर इवनिंग वॉक के लिए और जा रहे हैं अब लोग वापस। हमने थोड़ा प्याज वगैरह साफ किया। ओ माय गॉड, आपने आज वो देख लिया जो कभी नहीं आपको दिखाना था। Right there.